हेलो दोस्तों। तो यार कैसे आप लोग, तो फिर से एक और गेमिंग न्यूज का एपिसोड आप लोगों के लिए लेके मैं आ गया हूँ। और जैसा कि पिछली वीडियो को आप लोगों ने बहुत अच्छा खासा प्यार दिया है न्यूज वाली वीडियो को, ये वाली वीडियो को भी इतना ही प्यार देना। और एक और चीज आप लोग से मुझे सजेशन चाहिए था कि ये जो मैं न्यूज वाले एपिसोड बना रहा हूँ इनका मुझे नाम क्या रखना चाहिए, जैसे भी सजेस्ट कर सकते हो कमेंट करके बता देना। एंड गाइस, ये वाली वीडियो हम लोग काफी सारी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले, सबसे पहले असैसिन क्रीड शैडोज के बारे में बात करने वाले, GTA 6 के बारे में बात करने वाले हैं, प्लेस्टेशन 5 प्रो के बारे में बात करने वाले हैं, आने वाली कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के बारे में बात करने, और भी बहुत ढेर सारी अपडेट्स इंक्लूडिंग प्लेस्टेशन एक्स्ट्रा गेम्स के बारे में बात करने वाले। चलो फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन गाइस, वीडियो में अगर मेरे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेटेड रहूंगा और आप लोगों के लिए ऐसे ही मस्त कंटेंट लाते रहूंगा, बिल्कुल फ्री है, प्लीज सब्सक्राइब। नो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ यार असैसिन क्रीड शैडो के बारे में। जैसा कि आप देख ही सकते हो कि यूबीसॉफ्ट ने रिसेंटली असैसिन क्रीड शैडो को अनाउंस कर दिया है, लॉन्च डेट भी अनाउंस कर दी है, प्री ऑर्डर भी अनाउंस कर दिया, मतलब डायरेक्टली कोई ट्रेलर वगैरह कुछ नहीं, सीधा प्री ऑर्डर। और प्री ऑर्डर में यहाँ पे कई सारी चीजें बताई गई हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन आपको एक चीज रिमाइंड करा दूं कि भाई अभी 2024 में ही असैसिन क्रीड की एक गेम ऑलरेडी लॉन्च हो रखी थी, जो कि असैसिन क्रीड मिराज थी। यूजुअली मुझे असैसिन क्रीड की गेम उतनी ज्यादा पसंद नहीं आती थी, बट असैसिन क्रीड मिराज की मैंने तारीफ की थी, थोड़ी बहुत गेम मुझे अच्छी लगी थी, थोड़ा सा प्रिंस ऑफ पर्सिया से इंस्पायर लगी मुझे गेम, इसलिए थोड़ी सी वो अच्छी लगी थी। बट भाई, यूबीसॉफ्ट ने एक साल का भी इंतजार नहीं किया, लिटरली इसी साल एक और असैसिन क्रीड की गेम, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आप देख ही सकते हो, असैसिन क्रीड शैडो, जो कि लॉन्च होने वाला है 15th of November 2024 को। ये गेम ऑब्वियसली पीसी प्लेस्टेशन 5 के लिए रहेगी, बट ये PS4 के लिए नहीं रहेगी। एंड जैसे कि मैंने बताया, गेम का प्री ऑर्डर भी स्टार्ट हो गया और इसका स्टैंडर्ड एडिशन ही 5,600 रुपए का है भाई। उसके अलावा इसका गोल्ड एडिशन, जिसमें आपको 3 डे अर्ली एक्सेस मिलेगा विद सीजन पास और बेस गेम, जिसका प्राइस 7,700 रुपए है। इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, अभी जो अल्टीमेट एडिशन है उसका प्राइस 9,100 रुपए है। इसमें बेस गेम मिलेंगी, सीजन पास मिलेंगे, कैरेक्टर पैक कुछ है वो मिलेगा, एंड इसमें भी 3 डे अर्ली एक्सेस आपको मिलेगा, बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ ही सकते हो। लेकिन सीरियसली भाई, एक गेम जो कि 9,100 रुपए की मिल रही है, हाँ सीरियसली, शायद आपको याद होगा स्टार वॉर्स आउटलॉ, पिछले न्यूज एपिसोड में शायद मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, यूबीसॉफ्ट ने इसका भी ट्रेलर वगैरह लॉन्च कर दिया है और ये गेम का भी प्राइस कुछ उसी तरह है, सिर्फ 400-500 रुपए कम है। इसका भी देख सकते हो वही हाल है, 3 डे अर्ली एक्सेस। भाई, यूबीसॉफ्ट वाले पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। 3 दिन अर्ली एक्सेस के लिए आपको इतना एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है, सीरियसली मैं तो कभी नहीं ऐसा करूंगा, आप लोग कर रहे हो या नहीं? अब ये जो हमारी असैसिन क्रीड गेम होने वाली है ना, इसमें हमारे दो प्रोटैगनिस्ट होने वाले हैं, एक हमारा समुराई रहता है, दूसरा फीमेल निंजा कह सकते हो, या शिनोबी भी उसे बोलते हैं। बाकी भाई, इनके ट्रेलर तो बड़े धमाकेदार होते हैं, गेम खुद निकलती है। बाकी मैं तो यूबीसॉफ्ट वालों को ये कहूंगा कि भैया, आप लोग मूवी और वेब सीरीज बनाया करो, जब ट्रेलर इतना अच्छा बना रहे हो तो मूवी वेब सीरीज बनाओ, गेम से तो रिलेट करता नहीं ट्रेलर आपका। तो नेक्स्ट हम बात कर लेंगे इस महीने आने वाली एक्स्ट्रा कैटलॉग में गेम्स के बारे में। तो भाई साहब, आपने शायद सुन ही लिया होगा, अगर नहीं सुना है तो फिर से सुन लो, रेड डेड रिडेम्पशन 2 फ्री में आने वाली है प्लेस्टेशन 5 पे एक्स्ट्रा कैटलॉग में। तो भाई, इस बार तो बहुत से लोग खुश हो जाएंगे जिनको भी रेड डेड रिडेम्पशन 2 खेलना है। और यहाँ पे PlayStation.blog पे आओगे ना, आपको ऐसे पोस्टर देखने को मिलेगा, यहाँ पे सारी गेम्स की डिटेल दी गई है। एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी गेम आने वाली है। तो सबसे पहले इस बार हाईलाइटेड जो गेम है, जैसा कि मैंने बताया, रेड डेड रिडेम्पशन 2। ये गेम PS5 के लिए अभी तक अपग्रेड नहीं की गई है, जबकि GTA 5 कर दी गई है। आई डोंट नो ये लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं इसको PS5 में अपग्रेड देने के लिए, शायद एक और रिमास्टर जिसको फिर से 5,000-6,000 में बेचेंगे ये लोग। यहाँ पे देख सकते हो रेड डेड रिडेम्पशन 2 PlayStation 4 वाला जो एडिशन है, PlayStation 5 का तो आया नहीं। मैं एक चीज बता दूं कि पहले ये एक्स्ट्रा कैटलॉग में आ चुकी थी, जब एक्स्ट्रा मेंबरशिप आई थी तो पहले रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक्स्ट्रा कैटलॉग में थी, बट इसे हटा दिया गया था, फिर से दे रहे हैं, अच्छी बात है भाई। अब रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी है आपके प्लेस्टेशन एक्स्ट्रा कैटलॉग में फ्री में, तो अगर आप एक्स्ट्रा कैटलॉग परचेज करते हो तो आप GTA 5 और रेड डेड रिडेम्पशन 2 दोनों खेल सकते हो अभी के टाइम पे। तो अभी के टाइम पे वैल्यू फॉर मनी होने वाला है एक्स्ट्रा कैटलॉग। एंड इसके अलावा एक और गेम जो हमारे एक्स्ट्रा कैटलॉग में ऐड होगी, वो है डिसाइड इंक। अब ये भी गेम कुछ काइंड ऑफ एनिमेटेड गेम लग रही है, मोर फोकस ऑन मल्टीप्लेयर गेम लग रही है, आप देख ही सकते हो, ट्राई करना चाहते हो तो ये भी ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक सी गेम लग रही है मुझे तो ये। उसके अलावा बात करें, द सिम्स 4 का एक एड ऑन मिलेगा, जो कि है सिटी लिविंग एक्सपेंशन पैक। अब सिम्स 4 PS4 की गेम है, तो यहाँ पे PS4 का ये एड ऑन आपको मिलेगा, तो ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो, शायद से ये पहले पेड था, अब इन्होंने एक्स्ट्रा कैटलॉग में इसको फ्री में दे दिया है, तो इसे भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट बात करें तो हमारी क्राइम बॉस रॉकेट सिटी भी इस बार एक्स्ट्रा में फ्री में आपको मिलने वाली है, ये प्लेस्टेशन 5 की गेम रहेगी, तो इसे भी आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। गेम कुछ काइंड ऑफ अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड लग रही है, अब इसे ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा गेम कैसी है, बट मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इस गेम में, देखते हैं आने के बाद ये गेम कैसी रहती है। नेक्स्ट बात करें तो यूबीसॉफ्ट की गेम द स्टेलर न्यू एलाइज, ये भी आपको फ्री में मिलेगी इस बार एक्स्ट्रा कैटलॉग में, ये PS4 की गेम रहेगी। इसके अलावा हमें यहाँ पे स्ट्रैंडेड एलियन डॉन PS4 PS5 दोनों ही एडिशन इस बार एक्स्ट्रा कैटलॉग में फ्री में देखने को मिलेगा,
ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, ये वाली गेम थोड़ी बढ़िया लग रही है बिकॉज इसके ग्राफिक्स वगैरह थोड़े अच्छे हैं एंड इसका टाइटल भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो 100% ये गेम को मैं ट्राई करने वाला हूँ, आप लोग भी एक बार ट्राई देना इसे जरूर। नाउ नेक्स्ट गेम जो हमारी कैट क्वेस्ट PS4 की है वो भी इस बार एक्स्ट्रा कैटलॉग में फ्री में देखने को आपको मिलेगी, एंड सिर्फ कैट क्वेस्ट 1 ही नहीं कैट क्वेस्ट 2 भी PS4 वाला एडिशन ये भी आपको एक्स्ट्रा कैटलॉग में इस बार एडेड देखने को मिलेगा, तो इसे भी ट्राई देना, बिल्कुल 2D ओपन वर्ल्ड गेम ये रहेगी। अब नेक्स्ट गेम जो हमारी एक्स्ट्रा कैटलॉग में देखने को मिलती है वो द लेगो मूवी 2 वीडियो गेम PS4 वाला एडिशन ये अभी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत से लोग जो कि लेगो गेम्स के फैन हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज है भाई, लेगो गेम इस बार आपको देखने को मिल रही है। एंड वॉच डॉग्स 1 जो कि PS4 का है वो भी इस बार आपको एक्स्ट्रा कैटलॉग में एडिट देखने को मिलेगा। वॉच डॉग्स 1 एंड 2 काफी अच्छी गेम है, खैर वॉच डॉग्स लीजन कुछ खास नहीं लगी मुझे, बट ये दोनों जो गेम थे ना वॉच डॉग्स 1 एंड 2 ये दोनों काफी पॉपुलर और बहुत ही बढ़िया गेम थी, तो अगर आपने अभी तक वॉच डॉग्स नहीं खेला है तो एक ट्राई जरूर देना वॉच डॉग्स को भी। बाकी जो प्लेस्टेशन प्रीमियम यहाँ पे लिखा गया उसे हम लोग प्लेस्टेशन डीलक्स बोलते हैं क्योंकि इंडिया में उसे प्लेस्टेशन डीलक्स बोला जाता है, तो उसकी जो क्लासिक कैटलॉग है उसमें क्या क्या गेम्स ऐड होने वाली वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्सट्रीम PS4 PS5 की गेम ऐड होने वाली, ये काफी पुरानी गेम है यार, पुराने ग्राफिक्स की है। उसके अलावा जी पुलिस PS4 PS5 की ऐड होने वाली, ये भी वही PS2 वगैरह की गेम थी जो कि अभी क्लासिक कैटलॉग में ऐड हो रही है। एंड वॉर्म स्पिनबॉल PS4 PS5 का एडिशन ये भी यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो कुछ इतनी सारी गेम ऐड हो रही है मई के प्लेस एक्स्ट्रा वाले कैटलॉग में। सबसे पॉपुलर गेम्स की बात करो तो रेड डेड रिडेम्पशन 2 और वॉच डॉग्स 1, ये दोनों गेम जरूर ट्राई देना यार। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं GTA 6 के रिलीज डेट के बारे में। अब यहाँ पे ऑफिशियली कंफर्म हो गया कि GTA 6 2025 में आएगा। अब ये जो कंफर्मेशन दी गई इसमें एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं बताई गई लेकिन हमें एक टाइम रेंज दे दिया गया है, हमें बताया गया कि फॉल ऑफ 2025 तक GTA 6 रिलीज हो जाएगी। अब फॉल ऑफ 2025 अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि फॉल ऑफ 2025 मींस सितंबर 2025 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में GTA 6 हमारी रिलीज हो जाएगी। और जहां तक मुझे लग रहा है कि इसका जो रिलीज डेट हो सकता है वो नवंबर वगैरह में दे देना चाहिए, थोड़ी बहुत डिले हो गई तो 2026 तक भी जा सकती है, बट उम्मीद है कि यार जल्दी ही रिलीज कर दें GTA 6 को ये लोग। टॉकिंग अबाउट GTA तो GTA 5 के बारे में बात करते हैं। GTA 5 जो है अभी तक 200 मिलियन कॉपीज सोल्ड कर चुका है वर्ल्ड वाइड, तो एक काइंड ऑफ रिकॉर्ड ही है भाई GTA 5 का अभी तक। क्या लगता है आपको कि GTA 6 का रिकॉर्ड तोड़ देगा? मुझे तो लगता है 100% तोड़ देगा। नाउ टॉकिंग अबाउट PS5 Pro, तो PS5 Pro के स्पेसिफिकेशंस के कुछ नए लीक्स निकल के आए हैं, तो यहाँ पे हमें टेराफ्लॉप्स में 227% का जंप देखने को मिला है जो लीक्स स्पेक्स आए हैं। यहाँ पे हमारा जो बेस टेराफ्लॉप्स हमारे PS5 का था वो है 10.23 टेराफ्लॉप्स, और जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि PS5 Pro का जो टेराफ्लॉप्स होने वाला है वो 33.5 टेराफ्लॉप्स होने वाला है। एंड ओवरऑल जो परफॉर्मेंस जंप हमें यहाँ पे देखने को मिलता है वो 45% का परफॉर्मेंस जंप देखने को मिलेगा हमें PS5 स्लिम में या फैट से PS5 Pro में। नाउ अभी गॉड ऑफ वॉर के बारे में बात करें तो गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक नेक्स्ट प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव जो कि PC पे आएगा, तो एक और एक्सक्लूसिव हमारा सैक्रिफाइस हो जाएगा। थोड़ी सी एक्सक्लूसिविटी जाती है तो दुख होता है हम लोगों को, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आ जा रहा है PC वाले भी खेल ले यार, हमने खेल के मजे ले लिए हैं बहुत बार। गॉड ऑफ वॉर को मैंने तो दो बार खत्म कर रखा है। तो अगला जो प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव PC पे आने वाला है वो है गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे लीक्स निकल के आए हैं कि रेजिडेंट इविल 1 के रीमेक पे काम किया जा रहा है। कैपकॉम कंपनी जो कि रेजिडेंट इविल की गेम्स बनाती है उनकी तरफ से रिपोर्टली ऐसी कुछ न्यूज निकल के आ रहे हैं या रूमर्स निकल के आ रहे हैं कि रेजिडेंट इविल 1 के रीमेक पे काम चल रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि हाँ भाई ये हो सकता है सही। नेक्स्ट अपडेट बात करें प्लेस्टेशन 5 के सेल्स के बारे में, तो सोनी ने ये चीज को कंफर्म किया है कि भाई प्लेस्टेशन 5 का जो इनका टारगेट था फाइनेंशियल ईयर खत्म होने तक इतने यूनिट सोल्ड हो जाने चाहिए वो था 21 मिलियन यूनिट्स, बट उतने नहीं सोल्ड हुए, 20.8 मिलियन यूनिट्स सोल्ड हुए। ये रिपोर्ट्स मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इनके कंसोल कम सोल्ड हो रहे हैं जिसके चांसेस और ज्यादा हैं कि आने वाले टाइम में प्लेस्टेशन 5 का प्राइस और कम हो सकता है। नाउ कुछ एक्सबॉक्स से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में बात कर लें तो एक्सबॉक्स गेम पास का प्राइस शायद से बढ़ सकता है, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही है, IGN ने भी इस न्यूज को बैकअप किया है। तो भाई क्या आपको लगता है कि एक्सबॉक्स गेम पास का प्राइस बढ़ना चाहिए? अब इसका रीजन सबसे बड़ा यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम्स एक्सबॉक्स गेम पास पे लाने में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सबॉक्स को और खर्चा शायद करना पड़ा होगा, या फिर उसकी वजह से जो भी इन्होंने एक्टिविजन को एक्वायर किया अपना पूरा पैसा निकाल रहे हैं गेम पास का प्राइस बढ़ा के। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। और रिपोर्ट तो ऐसे भी आ रहे हैं कि आने वाली कॉल ऑफ ड्यूटी की गेम Day 1 पे फ्री होने वाली है एक्सबॉक्स गेम पास पे। ऐसा हो गया तो भाई धमाका हो जाएगा, और हो भी सकता है ये, क्योंकि अगर एक्सबॉक्स गेम पास पे Day 1 पे हेलब्लेड 2 आ सकती है तो भाई ऑब्वियसली कॉल ऑफ ड्यूटी भी ये लोग दे सकते हैं, जिससे एक्सबॉक्स के कंसोल भी काफी अच्छे खासे बिकेंगे और गेम पास भी बहुत सारे लोग लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा इनका गेम पास PC पे भी वर्क करता है। एंड टॉकिंग अबाउट हेलब्लेड 2, तो हेलब्लेड 2 21 May को लॉन्च हो जाएगी, और ये गेम आप लोग इंडिया में 1:30 बजे दोपहर यानी 1:30 PM से खेल पाओगे। तो चाहे PC हो या कंसोल हो, आप लोग के पास अगर गेम पास है तो आप लोग ये गेम खेल पाओगे। और इस गेम का मैं रिव्यू वगैरह बनाने वाला हूँ और लाइव स्ट्रीम भी करूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
हेलब्लेड 2 ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर ली है, 3 दिन पहले इसका डाउनलोड के लिए दे दिया गया है। डाउनलोड साइज अराउंड 40 GB के आसपास है और हेलब्लेड 1 जो कि सिर्फ 4-5 घंटे की गेम थी उसका डाउनलोड साइज था सिर्फ 18-20 GB। तो क्या आप लोग हेलब्लेड 2 के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं। एंड जाते जाते आपको ये भी बता दूं कि एपिक गेम्स अगर आप पीसी वगैरह यूज करते हो तो एपिक गेम्स पे भी कुछ अच्छी खासी गेम फ्री में मिल रही हैं। अभी ड्रैगन एज गेम यहाँ पे फ्री में मिल रही है, एपिक गेम्स पे वो भी जाके फ्री में क्लेम कर सकते हो अगर पीसी आप यूज करते हो। तो एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि स्टीम पे अभी कमला गेम जो कि इंडियन डेवलपर के द्वारा बनाई गई है, ये भी गेम का डेमो फ्री में है और गेम परचेज के लिए भी आ गई है। तो गेम का डेमो ट्राई करके फिर देखो, अगर गेम अच्छी लगी तो परचेज जरूर करना। और ये जो कमला गेम है ये एक हॉरर काइंड ऑफ गेम है, अगर होम स्वीट होम आपने खेला है तो उसी तरह थोड़ी बहुत ये गेम है। तो गाइस कुछ इतने सारे अपडेट्स थे अभी के, एंड बहुत ही जल्द एक नई न्यूज अपडेट्स के साथ आपसे मैं मिलूंगा और ऐसे ही मस्त मजेदार कंटेंट आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। एंड जल्दी से फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो।